आपनू आंगन देखने वाला है सारे भाई बहना ने गणा गणा राम राम सा। तो आज मैं मारे किचन गार्डन के अंदर चीकू को पेड़ है और चीकू भी खूब लाग रहे हैं। तो आज मैं मोटा मोटा पाका पाका जगह चीकू है पक्यूड़ा वह तोड़ के लिया दी भैया। तो टाइट ही हुए चीकू पर जब बड़ी साइज हो जाए वहाँ चीकू की तो कई बहना की रिक्वेस्ट ही कि चीकू पेड़ के ऊपर कदी कौन पके जबकि चिक्कू रियल पेड़ के ऊपर ही पके है बढ़िया तरीकों में पक्के तैयार हो जाए। और पकाने को तरीको बांग रिक्वेस्ट करी कि भाई मन पकाने को तरीको भी बताओ। तो आज मैं बांग के लिए चिक्कू घर पर क्या पकाए जाए बिना केमिकल बिना दवाई डाले चिक्कू पकाने को तरीको बताऊंगी। तो चिक्कू के भी जो कि बड़ी साइज का मोटा पाका सा चीकू है वह चीकू तोड़ के लिए छोटी साइज का चीकू है वह मैं चीकू कौन तोड़ रही हूँ। और चीकू तोड़ के तैयार कर लिया है ज़्यादा ऊंची साइज को पेड़ को नहीं है ऊपर भी चढ़ के चीकू तोड़ना पड़े हैं। तो यह चीकू सारा पका पका देख के मोटा मोटा बड़ी साइज का देख के तोड़ लिया हूँ। और आन पकाने को तरीको की तरीकों पकाऊँगा क्या पकाऊँगा तो मैं एक कार्टून के अंदर पेपर बिछा दियो और पेपर का जहाँ 5-7 छोटा छोटा टुकड़ा करके ये तरीकों कागज़ के अंदर लपेट के चिकन और कार्टून के अंदर रख दिए जितना भी पकाना चाहो जहाँ छोटो कार्टून ले लो छोटो कार्टून बाई दही नहीं हो तो अपने चप्पलों का जूतों का डब्बा हो वहाँ के अंदर भी आप पेपर लगा दो और एक लेयर देने के बाद में 5 या 7 प्याज डाल दिए ताकि आंखी भी गर्मी हुई पक्के तैयार हो जाएगा। फिर औरों भी यहीं पेपर में लपेट लो लपेट के और ऊपर की साइड में मैं क्या है खुला 5-7 डाल के ईद खातर देखें कि भाई खुला भी पक्स कहेंगे तो इन्हें ऊपर के पेपरों ही इन ऊपरों बंद कर दिए और कार्टून में बंद करके ये टाइम में कि है उमस भी है अच्छे तरीकों पक जाएगा। तो एक माह भी मैं 3 या 4 चप्पलों को एक डब्बो लिए तो इन 3-4 प्याज डाल दिए और चीकू भी डाल दिए बिना पेपर लगाए दोनों तरीका भी अपना लिया है पेपर लगा के भी और बिना पेपर लगाए भी। तो बिना पेपर लगाए ऊपर पेपर लगा के आने बंद कर दिए बंद करने के बाद मैं 3 दिन के बाद मैं वापस लेके आई हूँ। 3 दिन के अंदर एकदम पक्के तैयार हो गए ज़्यादा लूज तो करना ही को नहीं जहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने तो आने बारह निकाल देंगे। बारह निकालने के बाद में जितनी जरूरत हो वह भी तरीकों खाता रहो क्योंकि एक साथ में इतना सारा पक जाएगा तो खाना कभी कम को नहीं आया तो धीरे धीरे पकेगा। अब इन प्याजों और जगह पेपर में लपेटेड आ बस सारा आप अलग कर देंगा क्यों पेपर के अंदर रहना बहुत ज़्यादा पक जाए ज़्यादा पकने के बाद में खाना कोई तो मिठास कौन रहो जहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टाइट रहने चीकू भी टाइम ही बहुत ही बढ़िया लगे। तो अब वो पेपर है जो पेपर में भी पसीनो आ रहे हैं कि अंदर की गर्मी के कारण पेपर है जगह सारा नमी आ गई पेपर हम जहाँ कागज़ लगाए आपां कागज़ नमी आ गई। देखो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सुंदर तरीकों पक्के तैयार हुए हैं। एक बार थे ये तरीकों अपना के जहाँ चीकू पकाओगा तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मिठास वाला चीकू जहाँ केमिकल डालना हो तो बहुत ही कच्चा चीकू तोड़े मार्केट में लिया तो बाम इतो ज़्यादा मिठास इतो स्वाद भी को नहीं हुए जी तो आपने घर के अंदर आप पका के तैयार करांगा। तो मैं सारा पकेड़ा जितना भी चीकू है मैं निकाल दिया एक प्लेट में और वहाँ की साइज़ भी बहुत ही फुल साइज में है छोटा भी को नहीं चीकू खूब बड़ा बड़ा चीकू है और बे तरीकों ही एकदम पकने के अंदर की है कि चीकू के नाकू का कन थोड़ी सी सलवट सी आवें
और थोड़ा सा हाथ वो आप यहाँ दबा के देखांगा तो वह के थोड़ा पक्की उड़ा ही लगेगा, आप दबाऊंगा तो सॉफ्ट उड़ा सा लगेगा। तो सारा चीकू निकाल लिया है। अब मैं चीकू थाने जितना भी चीकू निकाले हैं वहाँ के अंदर एक चीकू ने काट के देखांगा। तो अब वो चीकू हटा दिए ऊपर को छिलको। हटाने के बाद में इन चीकून काट के आप खा देखा तो अंदरों बहुत ही सुंदर है, देखो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सॉफ्ट पक्के तैयार हुए हैं। और इतना मीठा है शायद चीकू पेड़ पर पकेड़ा आज तक कौन खाया। और मार्केट में जितना भी चीकू लेवा बाम इतो मिठास को नहीं है जितो आपके घर के अंदर जगह चीकू पकावा। तो हर चीकू के पक्के तैयार हो गए और मैं थाने काट काट के अलग अलग दिखा रहे हैं कि भाई छोटो चीकू की तरीकों पक रहे है, मोटी साइज को जो को बड़ी साइज को चीकू है छील के भी खास को इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी को नहीं आया तो बहुत ज़्यादा टाइट भी को नहीं। तो देखो एकदम सुंदर तरीकों पक्के तैयार हो गए। और बाप आपकी मर्जी है कि यहाँ छील के खानो है कि यहाँ खानो है। तो मारो बताई वीडियो और मारी बताई जो तरीको है चीकू पकाने वो थाने की शौक लगे थे कमेंट करके ज़रूर बताओगा और लाइक करोगा शेयर करोगा। नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थार तक पहुँच सकें। तो लियो जी अब मैं थारों करा राम राम, फिर मिला अगले वीडियो के साथ।